रायपुर से बड़ी खबर है, विधायक पारसनाथ रजवाड़े कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, तो विधायक पारसनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और टीएस सिंहदेव जो कि उनसे मिले थे उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त खुद क्वारंटीन में चले गए हैं और विधायक पारसनाथ के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब टीएस सिंहदेव ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का ग्राफ है वो अभी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, जैसा कि हमने देश भर में देखा है और बहुत तेजी के साथ जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी हम देख रहे थे कि लगातार 1500 से 2000 के बीच मामले सामने आ रहे हैं। रायपुर में भी असर खत्म नहीं हुआ है अभी पूरी तरीके से, और अब विधायक पारसनाथ जब कोरोना पॉजिटिव आए तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बड़ी खबर है ये, और अभी पारसनाथ की तबीयत कैसी है, कितने लोगों से उन्होंने मुलाकात की, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पारसनाथ राजवाड़े मरवाही विधानसभा उपचुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और टीएस सिंहदेव उनके साथ मौजूद रहे। विशेष तौर पे खुद जैसा जानकारी टीएस सिंहदेव ने दिया है कि 29 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री एमएलए पारसनाथ रजवाड़े के साथ मौजूद थे मरवाही में, और ऐसे में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। ये वाकई में गौर करने वाली बात होगी कि आखिर उनके साथ और कितने लोग थे, क्योंकि जिस तरह का ट्वीट टीएस सिंहदेव ने किया है उन्होंने भी कहने की कोशिश की है कि बाकी लोग भी जो कॉन्टेक्ट में आए हो अगर कोई सिम्टम आता है तो इलाज कराए और एहतियात में जरूरी कदम उठाए। साथ ही उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है एहतियातन, हालांकि कोई सिम्टम जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्हें नहीं है, लेकिन एहतियातन उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया है। जहां तक एमएलए पारसनाथ राजवाड़े का सवाल हो तो उनकी स्थिति ठीक है, हालांकि सिम्टम बहुत ज्यादा है या नहीं है इस बाबत कुछ विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से चुनाव के वक्त में या राजनीतिक सभाओं में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो या भीड़ अगर होती है तो संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है, इस तरह के तमाम जो एहतियात का पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं या सुझाव दिए जाते हैं कमोबेश ऐसी स्थिति में बहुत कारगर दिखाई देते हैं। तब जबकि कोई एमएलए कोरोना पॉजिटिव आता हो और चुनाव प्रचार में हो, कई लोगों के संपर्क में रहा हो, ऐसे में संक्रमण का दायरा जो है वो बढ़ने के आसार जो है वो रहते हैं। अब देखना ये होगा कि उनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट में और कौन कौन आए और क्या उनमें किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और कौन से और लोग खुद को होम आइसोलेट या क्वारंटीन करते हैं। सत्यप्रकाश, ये कुछ पता चल पाया है कि पारसनाथ अभी हॉस्पिटलाइज हैं या घर पर ही वो भी सेल्फ आइसोलेशन में गए हैं? अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर मिल पाई है कि किसी तरह की खतरे जैसी स्थिति नहीं है, उनकी तबीयत कमोबेश ठीक है। हालांकि फिलहाल वो उन्होंने होम आइसोलेट किया है अपने आप को या एडमिट हुए इस बाबत अभी जानकारी नहीं निकल गई। शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो पारसनाथ रजवाड़े के संपर्क में जो लोग आए हैं वो भी अपना एक बार टेस्ट करा लें या अपने आप को क्वारंटाइन कर लें और इंतजार करें कि किसी तरह के सिम्टम्स तो उन्हें नहीं है, अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो फौरन अपना टेस्ट जरूर करा लें।